हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी। यूनिक वे ऑफ लर्निंग देखे करेंट अफेयर्स 2022 की जो हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसके ऑलरेडी 120 वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने वीडियोस नहीं देखे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर विजिट करिए और प्ले लिस्ट ऑप्शन करेंट अफेयर्स 2022 में जाकर ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। इन वीडियोस को हमने हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में डिस्कस किया है, साथ में जो मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने वीडियो के अंत में ये डिस्कस की हैं, जितने भी आपके मैक्सिमम पॉसिबल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। इन वीडियोज में हमने जो करेंट अफेयर्स डिस्कस किए वो हमने जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक जितने भी आपके महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हुए हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, जो कि आपकी गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है और ये काफी बेनिफिट है वहाँ के किसानों के लिए। हम इसके बाद इस न्यूज को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, साथ में ही देखेंगे कि क्या क्या बेनिफिट यहाँ पे किसानों को मिल रहे हैं और कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं, योजना का उद्देश्य क्या हैगा और कहाँ कितने किसान अभी तक इससे इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और लास्ट में जो भी आपके इस योजना से रिलेटेड मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी नया वीडियो डलेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और चलते हैं मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना की बात की जाए तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना कब स्टार्ट हुई थी, शुरुआत 10 अगस्त 2020 को गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी के द्वारा राज्य के किसानों को राहत पहुंचाने के लिए इसको 10 अगस्त 2022 को इसको शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई जो है वो आपकी राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। यदि किसानों को राज्य के किसानों को फसलों को प्राकृतिक आपदा में जो आपके कवर होते हैं, स्कीम कवरिंग 3 रिस्क, ड्रॉट होते हैं आपके हैवी रेन एंड अनसीजनल रेन, ये तीनों फैक्टर से यदि आपकी इन तीनों प्राकृतिक आपदाओं से यदि किसान की फसल खराब होती है तो यहाँ पे राज्य सरकार के द्वारा यहाँ इसकी भरपाई की जाती है। तो नो मैंडेटरी शेयर बाय द फार्मर एंड इसकी कवर ऑल खरीफ क्रॉप्स ऑफ द स्टेट, इसमें जो है वो आपका कोई और नो मैंडेटरी शेयर, यहाँ पे कोई भी आपको प्रीमियम नहीं देना पड़ता है और आपकी जो और जो सभी खरीफ मौसम की फसलें हैं वो सभी फसलें इस योजना के अंतर्गत आती हैं। तो मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इज इम्प्लीमेंटेड इन द स्टेट फॉर खरीफ 2022 एज पर जीआर इश्यू डेट 10/8/2022। तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो अगस्त 2020 में इसकी स्थापना की गई थी और ये कवर करती है शेयर कवर स्कीम कवरिंग 3 रिस्क, ड्रॉट, हैवी रेनफॉल और अनसीजनल रेन। ऑल दी फार्मर ऑफ द स्टेट पोजेसिंग एग्रीकल्चर, जितने भी आपके फार्मर हैं गुजरात राज्य के, वहाँ पर जिनके पास यदि एग्रीकल्चर लैंड है और होल्डिंग द सनत अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट शैल बी कंसिडर्ड एज द बेनिफिशरी अंडर द स्कीम। तो जितने भी आपके आपके फार्मर हैं जो कि आपके एग्रीकल्चर लैंड होल्ड करते हैं और सनत करते हैं फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंतर्गत, तो वो सभी फार्मर जो है वो आपका यहाँ पे बेनिफिशरी होंगे आपके मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के लिए। हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए, यदि इस योजना के तहत यदि आपकी फसल 33 से लेके 60% तक यदि आपका हैवी रेनफॉल या ड्रॉट या फिर अनसीजनल रेन के कारण आपकी फसल को नुकसान होता है तो गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है वो असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है 20,000 रुपीज पर हेक्टेयर यहाँ पे जो है आपका असिस्टेंट गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, सहायता प्रोवाइड की जाती है। वहीं बात की जाए यदि आपका फॉर द क्रॉप लॉस अबव 60%, यदि 60% के ऊपर आपका क्रॉप लॉस होता है असिस्टेंट ऑफ ₹25,000, इसके यदि 60% से अधिक लॉस होता है तो 25,000 पर हेक्टेयर यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है मैक्सिमम 4 हेक्टेयर के लिए जो है वो आपका इन खरीफ सीजन में ये सहायता आपकी प्रोवाइड की जाती है। तो ये सारे यहाँ पे 4 हेक्टेयर के जो है वो आपको रुपए का मुआवजा जो है वो आपका 4 हेक्टेयर तक आपका 25,000 पर हेक्टेयर की रेट से जो है 60% से अबव क्रॉप लॉस होने पर यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा जो फार्मर्स हैं वो उसका बेनिफिट भी ले सकते हैं। इसके अलावा भी एसडीआरएफ की आपके
यहाँ पे फार्मर इस स्कीम का भी यहाँ पे आपके यदि क्रॉप लॉस होती है तो उसका उसका भी यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। अब पोर्टल लिंक विद द लैंड रिकॉर्ड एंड सीएम डैशबोर्ड, इसका जो पोर्टल है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का, वो डायरेक्टली आपका लैंड रिकॉर्ड और सीएम डैशबोर्ड से लिंक है टू गेट द ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑफ द फार्मर। इससे क्या ऑनलाइन यहाँ पे एप्लीकेशन फार्मर्स की ली जाती है। अप्रूव्ड असिस्टेंट विल बी डायरेक्टली पेड, और यदि आपकी आपका असिस्टेंट पे आपका जो भी आपका असिस्टेंट है वो ये अप्रूव्ड हो जाता है, वो आपके डायरेक्ट आपके फार्मर्स के बैंक अकाउंट में जाता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के द्वारा। स्पेशल ग्रेवियंस रिडर्सल मैकेनिज्म, इसके अलावा आपकी शिकायतों के निवारण के लिए स्पेशल मैकेनिज्म भी सेटअप की गई है टू एड्रेस दी एंड एड्रेस दी क्वायरीज ऑफ द, और यहाँ पे आपकी क्वायरी जो भी है आपकी बेनिफिशरीज की, बेनिफिशरीज फार्मर की, वो सब यहाँ पे पोर्टल पर आप देख सकते हैं। तो ये स्पेशल रिडर्सल मैकेनिज्म भी जो है वहाँ पे लाई गई है। इसके अलावा इस योजना का मेन उद्देश्य हमने देख चुके हैं कि इस योजना का मेन उद्देश्य है जो आपकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसलों को नुकसान होता है, क्रॉप लॉस होता है, उसके लिए जो है उसके बारिश खरीफ के बारिश में अनियमितता कारण गुजरात में किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता था। इसी समस्या को देखते गुजरात सरकार ने इस नई गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना को शुरू किया था, जिससे कि बेमौसम यदि बाढ़ आती है, बेमौसम बारिश बाढ़ आदि कारण किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि किसानों को सहायता मिल सके। इस योजना के जरिए राज्य के किसानों को इस स्थिति को मजबूत बनाना ही मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य है। वहीं कुछ बात कर लेते हैं कि इस समय तक जो आपके अराउंड अराउंड 53 लाख किसानों को जो है वो गुजरात में यहाँ पे इस योजना से, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना से लाभ मिल चुका है। यहाँ पे हमने देखा था कि 60% तक यदि नुकसान होता है तो आपको ₹20,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है वो आपका मुआवजा प्रोवाइड किया जाता है, फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता है। 60% से ज्यादा का नुकसान होता है तो यहाँ पे आपका ₹25,000 आपके प्रोवाइड किए जाते हैं मैक्सिमम 4 हेक्टेयर के लिए। नुकसान के आकलन में पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए योजना में सुनिश्चित किया गया है कि जिला कलेक्टर खुद से प्रभावित किसानों की लिस्ट तैयार करेगा। देखिए इस स्कीम में क्या होता है कि आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जो है वहाँ पे एप्लीकेशन फिल करनी रहती है कि हमारी फसल इस वजह से खराब हो गई है, और इसकी एक लिस्ट डायरेक्टली जिला कलेक्टर के द्वारा तैयार की जाती है सर्वे करके, और सरकार को वह डायरेक्ट यहाँ से सरकार को लिस्ट भेजते हैं, जिससे कि गुजरात किसान सहाय योजना के अंदर गुजरात के सभी छोटे बड़े और किसान सभी सीमांत या छोटे बड़े सभी आवेदन करते हैं। ये लिस्ट जो है वो आपके जिला कलेक्टर के पास जाती है और ये लिस्ट आपके जिला कलेक्टर के पास जाती है, जिससे कि पारदर्शिता बने जाए, तो वहां से ये गवर्नमेंट के पास भेज दी जाती है। इस योजना में छोटे बड़े और सीमांत किसान आवेदन कर सकते हैं, और इस योजना के लिए जो किसानों को ना ही किसी प्रीमियम भुगतान की आवश्यकता होती है और ना ही कोई पंजीयन शुल्क लगता है। तो ये इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो कि हमको याद रखने हैं। गुजरात की किसानों के लिए स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना जो कि आपकी 10 अगस्त 2020 को इसको स्टार्ट किया गया था, इसको 10 अगस्त 2020 को इसको स्टार्ट किया था। ये ऑल अबाउट था आपका गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। इस योजना के बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं इस योजना से रिलेटेड। सबसे पहले तो यही बन सकता है कि मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जा रही है, तो ये आपका गुजरात स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इस योजना को चलाया जा रहा है। सेकेंड यहाँ से बन सकता है कि कौन कौन सी फसलें यहाँ पे खरीफ की, कौन कौन सी फसलें जो वहाँ पे यहाँ पे सभी का मुआवजा गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, तो सभी खरीफ फसलें जो है वो ऑल फसल खरीफ फसल आर कवर्ड अंडर दी स्कीम। इसी स्कीम के अंदर खरीफ की सभी फसलें जो है वो आपकी कवर्ड की जाती हैं। किस कब यहाँ पे अनहैवी रेन अनसीजनल रेन हैवी रेनफॉल और ड्रॉट के कंडीशन में जो है यहाँ पे किसानों को सहायता प्रोवाइड की जाती है। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि 33% से लेकर 60% तक यदि किसान को क्रॉप लॉस होता है तो यहाँ पे कितनी मैक्सिमम सहायता प्रोवाइड की जाती है, तो ये जो सहायता प्रोवाइड की जाती है वो 20,000 पर हेक्टेयर के हिसाब से जो है वहाँ पे किसानों को सहायता प्रदान की जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, 60% से ऊपर का लॉस होता है किसानों को, क्रॉप लॉस होता है, तो उसमें कितनी सहायता प्रदान की जाती है, तो यहाँ पे 25,000 पर हेक्टेयर यहाँ पे सहायता प्रोवाइड की जाती है मैक्सिमम 4 हेक्टेयर के लिए। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं आपके किसान सहायता
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में। तो ये ऑल अबाउट था गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो लेगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।